टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। शेखपुरा जिले के हृदय स्थली चांदनी चौक पर आज चीन के द्वारा किए गए आत्मघाती हमले में शहीद हुए जवानों को आज आरएसएस भाजपा और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि दिया है। आरएसएस के कार्यकर्ता अभय कुमार ने आम जनता से अपील किया है कि बड़े पैमाने पर हमें चीन के सामानों का बहिष्कार करना होगा, क्योंकि युद्ध से दोनों देशों का नुकसान है। इसीलिए भारत की जनता अगर चीन के सामानों का बहिष्कार कर दे तो चीन से लड़ाई जीती जा सकती है। बहरहाल देश के 20 जवानों को शहीद होने के बाद आज पूरा भारत सदमे में है, क्योंकि बॉर्डर पर जाबाज सिपाही को धोखे से मारना चीन की पुरानी बदसलूकी राजनीति रही है। वहीं शेखपुरा में भी शहीदों के सम्मान में लोगों से चीनी सामानों का बहिष्कार करने की अपील किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हिंदू परिषद एवं भाजपा के द्वारा चीन भारत चीन सीमा पर सैनिकों जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान में हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किए हैं, और आम जनता जनमानस से निवेदन करते हैं कि इस युद्ध की में हम चीन के सामानों का ज़्यादा से ज़्यादा बहिष्कार करें, जिससे कि हम चीन का कमर तोड़ सकें आर्थिक दृष्टिकोण से, और हम बेहतर तरीके से चीन को जवाब दे सकते हैं, क्योंकि युद्ध की स्थिति में दोनों को नुकसान सहना पड़ेगा, अपने देश को भी नुकसान सहना पड़ेगा, और हम अगर उसके सामानों का बहिष्कार करते हैं तो हम चीन का आर्थिक कमर तोड़ सकते हैं। इसके लिए हम आम जनता से अपील करना चाहते हैं कि चीन को सबक सिखाएं, चीन के सामानों का बहिष्कार करें।